ऑल राइट, तो देख लो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से श्रीलंका बहुत ही पास में है और अभी देख लो श्रीलंका से मैसेज भी आ गया, वेलकम टू श्रीलंका। मैंने सुना है पहले बोट से लोग जाते भी थे वहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत रामेश्वरम से। जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मेरा प्लान था मदुरई रुकने का, लेकिन हम लोग डायरेक्टली अभी रामेश्वरम आ गए। आकर तो भैया सो गए थे, रात भर हमारा जर्नी हुआ। मतलब हम लोग सुबह कल दोपहर 1 बजे निकले थे मुनार से और यहाँ पे सुबह हम लोग 6 बजे पहुंचे। कार का जर्नी बोलो, बस जर्नी बोलो, भाई साहब हालत खराब हो गया था। आते ही बेड पे पड़े, 2 या 3 घंटे का नींद हुआ हमारा, बहुत मीठा नींद हुआ। क्या बाप इधर, ये नींद जय श्री राम, ये नींद होना बहुत जरूरी था, नहीं तो हम लोग अभी उठ नहीं पाते। अभी एकदम कैसा कैसा लगता है, अभी इतना एनर्जी भी नहीं रहता। वो 1-1.5 घंटे का जो नींद मिल जाता है ना, वो मैंने तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं फिलहाल स्कूटी का बात करने के लिए। स्कूटी कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे बहुत जगह स्कूटी मिलता है। आज पूरा भीड़ लगने वाला है अच्छा खासा यहाँ पे। बहुत कुछ प्लान करके रखा है मैंने यहाँ के लिए, देखो क्या क्या हो पाता है कवर। हाँ जी, तो अभी हम लोग रूम से बाहर आ गए और जा रहे हैं अपने स्कूटी वाले के पास। एक्चुअली उन्होंने अपना एड्रेस भेजा है हमें और मेरे पीछे ही देख लो मंदिर दिख रहा होगा आपको, हम लोग पीछे की तरफ से जाना होगा। ऑल राइट, तो देख लो हम लोगों को ये वाला स्कूटी मिला है। सही है पापा इधर एकदम। तो जब भी स्कूटी वगैरह हम लोग लेते हैं, अरे भाई साहब हेलमेट तो मस्त है। भाई साहब गर्मी जो है ना यहाँ का नेक्स्ट लेवल है। पहले तो अभी हम लोग लंच करेंगे कहीं पे जाकर, पास में यहाँ पे एक ऑप्शन बताया भैया जहाँ से हम लोगों ने स्कूटी लिया। भाई ये हम लोग को एक दिन का 500 रुपए करके पड़ा, हम लोगों ने 2 दिन के लिए लिया है तो 1000 रुपीज मैंने पे किया, 24 घंटे का 500 रुपए। सही है, बाकी यहाँ तो मेरे को लग रहा है बीच है, देखते हैं आगे कहाँ जा सकता है। पहले पेट पूजा किया जाए, वहीं पे हेलमेट भी खरीद लेंगे। भैया बता रहे हैं ना पास में हेलमेट है। लेने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं ये होटल सरवाना भवन, जिनसे हम लोगों ने स्कूटी लिया उन्होंने रिकमेंड करा कि आप यहाँ पे जाके लंच कर लो, काफी अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है यहाँ पे। पीछे ही टेंपल है देख लो, वेस्ट गेट है भाई। तो भाई ये हाँ जी, तो अंदर में आपको ऐसा कूपन लेना पड़ेगा, 100 रुपया थाली बस, अनलिमिटेड भाई साहब, अनलिमिटेड 100 रुपया साउथ इंडियन थाली। लो भाई, लेकिन यही है पहले पेमेंट उसके बाद खाना। हाँ जी, तो देख लो ये हमारा 100 रुपीज का थाली आ चुका है, अनलिमिटेड। चलो भाई, एक सब्सक्राइबर फ्रॉम रामेश्वरम, भाई बता दो ना क्या क्या है। क्या क्या है बोल दो। ये रसम, रसम सॉरी सांबर, सांबर रसम, रसम वत्त कोलंबु स्वीट पायसम, स्वीट पायस। ये सब्जी 3 सब्जी है और ये बटर मिल्क, राइस, सांबर, पापड़। अच्छा हाँ, चार दे दो। थाली तो हमारा आ गया है पूरे तरीके से, काफी मस्त लग रहा है, देखकर भी लग रहा है काफी टेस्टी होने वाला है। 100 रुपए में यार क्या ही बोलेंगे, 100 रुपए में बहुत है ये। अब एक काम करते हैं, हम लोग खाते हैं, बहुत जोर का भूख लगा है, खाकर बता देंगे कैसा लगा हमें ये थाली। और लोकेशन तो आपको मैंने बता ही दिया है, एकदम वेस्ट गेट जो है ना उसके जस्ट गली में ही है। भाई देख लो हम लोगों ने ये थाली ट्राई कर लिया, सच बता रहा हूँ भाई, 100 रुपीज के हिसाब से इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। हर कुछ थाली में काफी अच्छा था, मतलब एवरीथिंग। मेरे को तो बटर मिल्क कितना अच्छा लगा ना, मैंने 4-5 बार लेकर पीता, बाकी सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था, राइस भी काफी अच्छा था। प्लेट देख के बता दो वो क्या सीन है। ऑल राइट, तो हम लोग अभी यहाँ से खाना ट्राई करके निकल गए हैं। मैं तो भाई अपने साइड से आपको रिकमेंड करूंगा इस वाले होटल में जरूर खाना खाने के लिए आना, होटल सरवाना भवन, बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का। एक तो सस्ता का सस्ता भी है और खाना भी काफी टेस्टी है और अंदर के सारे स्टाफ भी मतलब काफी स्वीट थे। अभी हम लोग का प्लान हो रहा है यहाँ से धनुषकोडी जाने का। पहले तो स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है, पता नहीं आगे कहाँ मिलेगा। एक हेलमेट भी खरीदना है क्योंकि यहाँ पे रूल है कि पीछे वाले को नहीं भी पहनने से चलेगा। मेरे को एक हेलमेट चाहिए, तो बता रहे थे आगे से लेफ्ट में मिल जाएगा, देखते हैं कहाँ मिलता है। अभी निकलते हैं यहाँ से, बाकी ये होटल देख लो, जरूर आना खाना खाने के लिए, बहुत अच्छा है। 100 रुपीज में अनलिमिटेड थाली।
देख लो ये हमारे इंडिया का लास्ट लैंड, यहाँ से हमारा इंडिया खत्म। 15-16-17 किलोमीटर जाओगे श्रीलंका स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियली अभी हम लोग इंडिया के एकदम लास्ट लैंड में खड़े हैं। तो कैसा लग रहा है पापा इधर लास्ट लैंड में खड़े हो गए? बस यहाँ से अब इंडिया खत्म। साइड में मेरा फर्स्ट टाइम, पता नहीं क्यों इस वाले ट्रिप में ड्रोन को सबसे ज्यादा मैं मिस किया हूँ। बहुत ज्यादा अभी तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब हद से ज्यादा भीड़ है इधर में। मैं कैमरा के थ्रू तो नहीं बता पाऊंगा, ऐसे आपको नॉर्मल ये बीच लग रहा होगा कि हाँ भाई नॉर्मल बीच के सामने मैं खड़ा हूँ, लेकिन नहीं। तो देख लो ऊपर से धनुषकोड़ी ऐसा दिखता है। तो भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था, देख लो भाई इसी में दिख रहा है पूरा धनुषकोड़ी। बहुत मन था यहाँ आने का, फाइनली आ गया। ऑलराइट, तो देख लो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से श्रीलंका बहुत ही पास में है, और अभी देख लो श्रीलंका से मैसेज भी आ गया, वेलकम टू डायलोंग श्रीलंका। मैंने सुना है पहले बोट से लोग जाते भी थे वहाँ पे, क्यों बंद हुआ क्यों नहीं इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई भी मेरा व्यूअर्स है जो श्रीलंका से देख रहा है तो भाई आपको हेलो, मेरा हेलो रामेश्वरम से। यहाँ पे एक चर्च है, साइक्लोन में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ आसपास में काफी सारा मार्केट भी है देख लो। तो इस चर्च के बारे में काफी कुछ जानना था हमें, लेकिन इंटरनेट ही नहीं है, नहीं तो गूगल में सर्च करके आपको बताते, क्योंकि थोड़ा अगर आप करीब से देखोगे ना इस चर्च को, अलग सा ही मतलब स्ट्रक्चर हो गया है इसका, अलग सा ही ये सब क्या क्या हो गया है इस पर, ये पानी की वजह से हुआ है या फिर क्या रीजन है नहीं पता, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन जो भी बोलो ये जो लोकेशन है ना डब्बू रत्नानी अगर देख लेगा तो उसके लिए हेवन है। तो अभी हम लोग आ गए कोठांडरामर टेम्पल। तो अभी हम लोग धनुषकोड़ी से जा रहे थे अपने होटल के तरफ, रास्ते में ही हम लोग को रेंडमली ये दुकान दिखा, यहाँ से हम लोगों ने ये वड़ा लिया। भाई ये जो वड़ा है ना एक नंबर है, मजा आ गया खाकर एकदम। देख लो ये वाला जो रोड है ना स्टेशन की तरफ निकलता है एकदम मोड़ पे ही है, इतना सॉफ्ट वड़ा ना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। भाई साहब फेस का देख लो क्या बैंड बच चुका है। भाई तो भाई हम लोग धनुषकोड़ी से तो आ गए, वहाँ पे हम लोगों ने बड़ा खाया स्टेशन के पास। अभी हम लोग आ गए हैं फ्लोटिंग स्टोन देखने के लिए, जो राम सेतु बना था ना उसमें जो स्टोन सब यूज हुआ था वो स्टोन देखने के लिए। हाँ जी हम लोग अंदर से तो आ गए, यहीं पे आपको दिख जाएगा फ्लोटिंग स्टोन, लेकिन दिक्कत क्या है अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है इसलिए रिकॉर्ड में नहीं कर पाया। बाकी लिटरली काफी ऐसा पत्थर था ना जो पानी में तैर रहा था, मैं सोचा रिकॉर्ड करता लेकिन मना कर दिया। भाई अभी आसमान देख लो क्या ही मस्त हो रखा है, सभी को यहाँ पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, और ये कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना ये एकदम नेचुरल कलर है, ऐसा कलर आया हुआ है भाई।
भाई यहाँ से ये टेम्पल देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारा सनसेट देखा है, अच्छे अच्छे जगह से सनसेट देखा है, लेकिन ये जो रामेश्वरम में ये वाला जो सनसेट मैं देख रहा हूँ ना, और ये वाला जो मुझे नजारा मिला है ना भाई, ये अल्टीमेट है। ये बाय द वे साउथ गेट है। थोड़ा स्कूटी वगैरह का चक्कर लगाने के बाद हम लोग रूम में आ गए थे, थोड़ा देर रेस्ट किए और घर में भी बात कर रहे थे फोन में, काफी दिन हो गया था अच्छे से बात किए हुए, बस हाय हेलो ठीक हूँ खाना खाया यही सब बात हो रहा था। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, रात का यहाँ पे 9 बजने वाला है, बस 300 मीटर में ही है, देख लेते हैं जाके खुला है कि नहीं खुला, अगर नहीं खुला होगा तो कहीं और चले जाएंगे, इसलिए स्कूटी लेकर जा रहे हैं, नहीं तो पास में ही है 300 मीटर में ही है। ऑलराइट, तो गूगल में सर्च करके हम लोग इधर आ गए, मुर्गन मेस, यहाँ पे मैंने सुना है खाना काफी अच्छा मिलता है, सबसे बड़ा बात प्योर वेज खाना मिलता है यहाँ पे, टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा है यहाँ का खाना। यहाँ पे आने के लिए देख लो खाली पैर आना पड़ा हम लोगों को, चप्पल वगैरह सब कुछ बाहर है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये, तो मैंने इडली मंगा लिया है, जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। साउथ में ना मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, केले के पत्ते में खाना पड़ता है, पता नहीं क्यों खाना कैसा भी हो अगर केले के पत्ते में सर्व होता है ना, काफी हेल्दी काफी अच्छा खाना सर्व हो रहा है। हाँ जी, तो देख लो ये अपना इडली आ चुका है, मुझे पता नहीं क्यों ये चटनी के साथ ही इतना अच्छा लगता है ना, और कुछ लेने का मन ही नहीं करता है, बस इडली गर्मा गर्म है यार, गर्मा गर्म इडली, और ये चटनी तो और भी जादू कर दे रहा है। लगभग रात के 9 बजे इतना गर्मा गर्म इतना टेस्टी इडली, मजा आ गया। गर्म इडली फर्स्ट टाइम खाया है, ये वाला जो इडली था वो अलग ही था। तो देख लो हम लोगों ने यहीं पे अपना डिनर किया, काफी मस्त खाना है, टोटल 160 रुपया हुआ हमारा, दो डोसा था, 5 इडली था, एक पानी का बोतल, टोटल 180 हुआ। श्री मुरगन मेस, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। डिनर करने के बाद हम लोग बस स्टैंड आ गए थे बस का पता करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कल यहाँ से मदुरई के लिए निकलना है, और भी बीच में काफी कुछ प्लान है मेरा मदुरई निकलने से पहले, क्योंकि कल रात में निकलेंगे, कल हमारे पास सारा दिन है, तो ये सब बस का टाइमिंग है। देख लो भाई मदुरई के लिए बस यहाँ पे बैक टू बैक है, चाहे आप रामेश्वरम टू मदुरई की बात करो या फिर मदुरई टू रामेश्वरम की बात करो, ये एसी बस है देख लो। हम लोग तो कल नॉर्मल बस से आए थे, इस टाइप के बस से आए थे हम लोग, चलो कल इसी से चले जाएंगे फिर। हाँ जी, तो कल तो रूम में आके मैं जल्दी सो गया था, क्योंकि क्या हो जाता है ना, रात में अगर देर तक जगा रहता हूँ एडिट करने के चक्कर में, तो सुबह बहुत प्रॉब्लम होता है, घूम भी नहीं पाता हूँ, इसलिए क्या किया कल रूम में आते ही आराम से सो गए हम लोग, वो जो इडली मस्त इडली खाकर हम लोग आए थे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ, और ये वाले वीडियो को भी एंड कर दूंगा मैं, क्योंकि आज जो मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ ना, और आपको ही पता है रामेश्वरम में अगर मैं ट्रेन जर्नी करूंगा तो वो कौन सा ट्रेन हो सकता है, नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए रेडी रहना। यहाँ हो रहा है मेरा वीडियो अपलोड, और ये होने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट, पोंगल मसाला डोसा। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग अपने रूम में आ गए और अभी एकदम फ्रेश हो गए हैं, तो एक काम करते हैं ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।